सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 किया सेल्टोस। ये इसका GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक है। तो ये आप मान के चलो टॉप एंड ट्रिम ही है। अगर आपको इससे ऊपर कुछ लेना है तो आप इसकी एक्स लाइन ले सकते हो। बाकी फीचर्स के मामले में अगर आपको टॉप नोट सेल्टोस चाहिए तो आप ये वाला वेरिएंट जो इसका कंसीडर करोगे या फिर देखोगे, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में कंपनी बताती है कि भाई ये है वो है वगैरह वगैरह। मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। आप कह सकते हो GT लाइन है ये, मतलब GT लाइन ही है ये। बैज भी मिलता है इसको GT लाइन का। क्या क्या चीज़ इसके टॉप मॉडल में रहती हैं उनके हम एक एक करके बातचीत करते हैं। पहले इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल्टोस जो आप देख पा रहे हो ये आपको कॉस्ट करती है 19.99 लाख रुपीज़ एक शोरूम, 19,99,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और ऑन रोड कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 23-23.5 लाख के आसपास ही मिलेगी। और ये चीज़ें डिपेंड भी कर सकती हैं कि आपको कोई ऑफर इस पे मिल जाता है या फिर आपको मतलब कोटेशन क्या मिलती है इसके ऊपर, तो ये चीज़ें उस पे भी डिपेंड कर सकती हैं। बाकी अभी एक एक करके फीचर्स की बात करें कि मिलता क्या क्या है उनकी हम बात करें, तो चाबियाँ कुछ इस तरीके की आती हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं चाबियों पे, वो हैंडल्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो मतलब गाड़ी बाहर से आप स्टार्ट कर सकते हो, और इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो आप अपना बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सेम चाबियाँ आती हैं दोनों, सेम कंट्रोल्स के साथ हैं, तो काफ़ी हैंडी सी भी फील होती है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। और यहाँ पे किया मेंशन है। अब इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे मैंने हाँ शो कर दी। इसके डायमेंशन देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है गाड़ी की, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कितनी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई है। सामने से बातचीत करें तो वैसे तो यहाँ पे देखो मसल्स वगैरह अच्छी दिखती हैं, कर्व्स वगैरह अच्छे हैं, बट ये चीज़ें दिखती हैं थोड़े डार्क कलर के ऊपर। अगर आप इसका कोई डार्क शेड लेते हो तो उस पर रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग तरीके का आपको दिखेगा। बाकी अगर एक सुपर सिंपल सी चीज़ चाहिए तो आप इसका वाइट कलर कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपका फेवरेट कलर कौन सा है इसके ऊपर मुझे बताना कॉमेंट में। बाकी फ्रंट से और चीज़ों की बात करें तो पूरी एक क्रोम की स्ट्रिप आती है, प्रॉपर LED सेटअप है। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, ये TRLs हैं प्रॉपर जो यहाँ तक आती हैं। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। और नीचे ये यूनिट जो है ये थोड़ी चेंज मिलती है आपको GT लाइन वेरिएंट में, तो नीचे का बम्पर वाला पार्ट जो है थोड़ा चेंज मिलेगा। नॉर्मली कुछ इस तरीके का दिखता है बट GT लाइन में आपको थोड़ा चेंज दिखेगा, ये स्टांस जो है थोड़े चेंज मिलेंगे। LED फॉग लैंप्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वो मैंने आपको बता दिया। ये चिन थोड़ी सी गन मेटल टाइप आपको मिलती है, एडास वगैरह आता है तो उसके सेंसर्स कैमरा वगैरह वो सब आपको मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा है, तो फ्रंट में एक कैमरा यहाँ पे आपको प्लेस मिलेगा, नंबर प्लेट आएगी यहाँ पे, किया यहाँ पे भी मेंशन है। और साइड में आते हैं तो प्लेटिंग वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है गाड़ी के ऊपर। बाकी तो देखने में तो बहुत सिंपल सोबर सी लगती है, मतलब एक सटल डिज़ाइन होता है ना किसी चीज़ का, वो है इसके डिज़ाइन लैंग्वेज में। कोई एक्स्ट्रा कर्व नहीं है, कोई फालतू के कट्स नहीं है, प्रॉपर लाइंस हैं, अलाइन लगती हैं सारी चीज़ें, तो वो इसके बारे में एक चीज़ है। बाकी साइड में टायर्स की बात करें तो JK के टायर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टायर सेक्शन जो है इनका वो है 215/55R18, 18 इंच के कुछ ऐसे हैं डायमंड कट अलॉयज आगे, और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती है। और ये बेस मॉडल से ही आती है, ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल है तो इस चक्कर में यहाँ पे दी हुई है, ये आपको बेस मॉडल से मिलेगी। ऑलमोस्ट 190 mm की बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो कि देखने में भी पता चल जाता है कि हाँ भी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर रही है। व्हाइट कलर के कैलिपर्स आते हैं जो कि आगे और पीछे सेम ही है व्हाइट कलर की, और अच्छे लगते हैं देखने में। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाई जस्ट दे दिए, थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई अटेंशन दी गई है इनके ऊपर। बाकी बॉडी कलर ORBMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे है, और प्लेन ग्लासेस नहीं है यहाँ पे, आप देखो तो हल्का सा टिंट है इनके अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे है। क्रोम डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है बट वो आपको ड्राइवर साइड ही मिलेगा। ग्लॉसी ब्लैक रूफ रिल्स आती हैं, पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है। ये पिलर जो है मैट ब्लैक के हुए हैं, फ्रेम लाइन पूरी क्रोम की आती है। यहाँ से डलेगा गाड़ी के अंदर डीजल और DEF भी, मतलब जिसे आप कह देते हो डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल या फिर यूरिया, वो भी यहीं से डलेगा। एक ब्लैक कलर का स्पॉइलर है यहाँ पे, शार्पन एंटीना है, डिफॉगर है, वाइपर है, और ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर LED सेटअप है, कनेक्टेड है, और ये यहाँ तक जलता भी है। किया यहाँ पे मेंशन है, सेल्टोस यहाँ पे मेंशन, वेरिएंट का वैसे कोई नाम नहीं, बट इसको एक अलग से बैज मिल जाता है GT लाइन का, तो इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई टॉप एंड ट्रिम इसकी है। बाकी पीछे वाला बम्पर भी थोड़ा चेंज आपको मिलता है यहाँ पे, नॉर्मली कुछ इस तरीके का दिखता है बट यहाँ पे थोड़ा कुछ इस तरीके का दिखेगा। रिफ्लेक्टर्स थोड़े चेंज हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं, ये मतलब पूरा पैटर्न थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, ये चिन थोड़ी गनमेटल टाइप आपको मिलती है, रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट है। बूट की बात करें तो यहाँ पे एक बटन आपको मिलती है, जिसे प्रेस करोगे तो बूट आप अपने एक्सेस कर सकते हो। पार्सल ट्रे यहाँ पे है, 60/40 का ऑप्शन है, सब बूपर की प्लेसमेंट है, बूट लैंप है,
थोड़ी स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है, 433 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस आती है और ये 50-50 कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है नीचे वाली फ्लोर। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है कुछ इस तरीके का। ये JK का टायर है और टायर सेक्शन है इसका 215/60R17, तो एक साइज डाउन है ये, तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये चीज़ 50-50 स्प्लिट हो जाती है बढ़िया। तो ये है और टूल किट वगैरह आपने देख ली कुछ इस तरीके से मिलती ही है। अब इसको कर लेते हैं बंद। बाहर से तो देखो बहुत सिंपल एकदम स्लीक सी लगती है देखने में, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी इंटीरियर में जाके जो चमत्कार स्टार्ट होता है, मतलब जो एक क्या कहते हैं चीज़ स्टार्ट होती है, जो फीचर्स काउंट होते हैं, वो अंदर से चल के होते हैं, क्योंकि प्यार ये अंदर से बहुत ज़्यादा लगती है मुझे पर्सनली। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको ड्राइवर साइड मिलता है वो, क्रोम डोर हैंडल्स, अच्छा वेट दरवाज़ों के अंदर। अभी यहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, मतलब जो आपको दीवाना बना सकती हैं। अगर आप फीचर्स के ही दीवाने हो तो आपको ये गाड़ी एक नज़र में पसंद आएगी, क्योंकि इस तरीके की लगती है कि मतलब सेगमेंट में शायद एक क्रेटा ही है जो मतलब इस फीचर्स के मामले में इस गाड़ी को थोड़ा कम्पीट कर पाए। बाकी गाड़ियाँ और भी हैं अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करती हैं, बट इसके थोड़ा मतलब पीछे पीछे ही है वो। फीचर्स के मामले में ये कंपनी सबसे आगे है। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर लेदर आपको मिलता है, बेसिकली सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है। ग्लॉसी ट्रिम है, सिल्वर डोर लिवर, ट्विटर स्पीकर है, बॉस यहाँ पे मेंशन है और अच्छा खासा म्यूजिक सेटअप यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब इसके अंदर तो आपको अपग्रेड कराने का सोचने तक की ज़रूरत नहीं है। चारों पार विंडोज़ हैं, चारों की चारों वन टच अप डाउन मिलती हैं। विंडोज़ के लॉक हैं, डोर्स के लॉक, ORM के इलेक्ट्रिकल विंडोज़ हैं, इन्हें आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो। इसका प्लेट्स हैं सेल्टोस की और ये सीट आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिलती हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। बढ़िया लेदर अपोस्ट्री है, GT लाइन की यहाँ पे आपको मार्किंग देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे एयरबैग के टैग हैं, तो ये चीज़ें हैं। बाकी डुअल शेड में हैं, बढ़िया एक वाइट हाईलाइट दी हुई है सीट्स के ऊपर भी। नीचे के साइड दो पेडल्स हैं, डेड पेडल के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट है, बोनट खोलने का लिवर है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन, लाइट लेवलिंग डायल और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाती है। AC वेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सिल्वर टच आपको मिल जाता है और यहाँ से खुलेगा फ्यूल लिड। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि अगर मान के चलो मेरे पास भी पैसे हों और ऐसा है कि फैमिली छोटी है, 5 बंदे ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो जाते हैं कभी कभी, और फीचर चाहिए बढ़िया, मतलब गाड़ी से उतरने का ही मन ना करे, तो उस मामले में मुझे बढ़िया लगती है ये। प्रॉपर एक SUV जैसा चाप भी देती है और फिर होल्ड जो है गाड़ी के ऊपर, मतलब स्टेयरिंग की बात करें या फिर चीज़ों की ट्रिम्स की बात करें, तो वो भी अच्छी लगती है देखने में। अभी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि चीज़ें किस तरीके से रिएक्ट करती हैं ये। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है, एक बार दबाते ही ये यहाँ पे ऑन हो जाता है, इसके अंदर हल्की सी लाइट आ जाती है और एक बार और दबा देता हूँ तो ये लो सब कुछ यहाँ पे ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। और ये फुल्ली डिजिटल है, यहाँ पे 240 की टॉप स्पीड मार्किंग दी गई है। इधर की साइड इसके RPM वगैरह आएंगे, जो कि अभी शिपिंग मोड है, आई गेस थोड़ी देर में चेंज होना चाहिए। तो ये लो ये हो चुका है 6000 तक के यहाँ पे RPM है। टेम्परेचर फ्यूल भी आपको यहीं पे दिखेगा। एडास आता है तो उसके जो सिंबल्स वगैरह हैं, लेन की पसिस्ट वगैरह जो चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली वो सब आपको यहाँ दिखता रहेगा। आउटसाइड टेम्परेचर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इकोनॉमी क्या निकाल रही है गाड़ी, तो जितनी भी चीज़ें वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बढ़िया डिजिटल है, अगर आपको कुछ ऐसा ही चाहिए तो ये आपको एक नज़र में पसंद आ जाएगा। बहुत ही मतलब एक क्या कहते हैं एक फाइन चीज़ होती है ना डिजिटल के अंदर भी, कुछ ऐसे डिजिटल होते हैं जो कि मतलब देख के ही भद्दे से लगते हैं, तो वो चीज़ ये नहीं है, अच्छी लगती है देखने में। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं और इंडिकेटर्स के कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, नीचे से फ्लैट बॉटम है, एयरबैग यहाँ पे मेंशन है, GT लाइन यहाँ पे मेंशन है और अच्छा लगता है देखने में। जितनी भी चीज़ें हैं स्टिचिंग वगैरह जो है बढ़िया लगती है कुल मिला के, और इन हैंड फील जो है स्टीयरिंग की बहुत ही प्यारी है। और ये फ्रेम मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, आपके क्या ओपिनियंस है मुझे बताना कॉमेंट्स में। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें हैं, बड़ा ही स्मूथली आप कर सकते हो इसको एडजस्ट। ये यहाँ की बात थी। अभी ऊपर से देखोगे तो पूरा हेड लाइनर जो है एकदम ब्लैक ब्लैक आपको मिलता है, मतलब जिस तरीके का नाम है उस तरीके की वाइब को मेंटेन करने के लिए ये पूरा हेडलाइनर जो है एकदम ब्लैक दिया हुआ है। पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है, कर्टन आप देख सकते हो, कोई कंप्लेंट नहीं है इसके बारे में। वैनिटी मिरर है, एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाती है, LED व्हाइट लाइट्स आती हैं कुछ इस तरीके की, सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, एक स्मार्ट IRVM है, SOS रोड साइड असिस्ट किया कनेक्ट के साथ, और यहाँ पे ये सेंसर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है। और अभी बात करें यहाँ की तो चीज़ें अच्छी हैं,
जो चीजें थोड़ी लाइटर शेड में आती हैं दूसरे वेरिएंट्स में वो यहाँ पे एकदम ब्लैक हैं। जैसे कि प्रॉपर सॉफ्ट टच यहाँ पे है, बढ़िया सी स्क्रीन आती है जो कि सभी कनेक्टिव फीचर्स के साथ है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। मतलब एकदम ऐसे चलती है जैसे फोन की टच चलती है, बड़ी ही स्मूथली चलती है। एसी वेंट्स हैं, हैज़ अ लाइट की बटन, 2-zone AC है तो अलग अलग आप अपना टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC आता है। नॉब्स एंड बटन थोड़े और प्रैक्टिकल यूज के लिए मिल जाते हैं। नीचे साइड यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, एक टोयोटा का चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, ऑटोमेटिक गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा। शिफ्ट लॉक की बटन है, PR&D के यहाँ पे सिंबल्स हैं। ये वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं आगे वाली दोनों। व्यू की बटन यहाँ पे मिल जाती है आपको, जिसे दबाते ही पूरा व्यू जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए अलग से बटन आपको मिल जाती है। कप होल्डर्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से कवर हो जाते हैं, तो बढ़िया लगती हैं चीज़ें भी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर है। फ़ोन वगैरह आपको रखना हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो बड़ा ही आराम से। इसके अंदर भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है और ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर भी देखने के लिए मिलता है। तो मतलब फीचर जो आजकल कंपनियां काउंट कराती हैं वो सारे फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ की बात करें तो अच्छी खासी स्पेस आपको ग्लो बॉक्स के अंदर भी मिल जाती है। बाकी बात करें फिट एंड फिनिश के बारे में या फिर क्वालिटी के बारे में, दोनों ही चीज़ों में कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर आप एक प्राइस पॉइंट को ना देखो, क्योंकि यहाँ तक बंदा वही जाएगा जिसके पास मतलब पैसों की कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं कि एक 5-सीटर गाड़ी के ऊपर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँ। अगर वो चीज़ आप नहीं देखते तो बहुत ही प्यारी लगती है, आपका मन आ जाएगा बिल्कुल इस पे कि भाई लेनी है तो यही लेनी है, वो वाली बातचीत है। बाकी हाँ, यहाँ का तो मैंने बताया नहीं, मीडिया के प्रॉपर कंट्रोल्स हैं, एडास के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह जो चीज़ें वो यहाँ पे हैं। और ये MID के अंदर कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो इस बटन के थ्रू। तो यही चीज़ है। अब ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट और पीछे चलते हैं, पीछे क्या स्पेस है, कंफर्ट कैसा है गाड़ी का और टॉप मॉडल में चीज़ें क्या मिलती हैं पीछे वाले बंदों के लिए वो एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख लो, ड्राइव मोड वगैरह आपको सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए प्रॉपर डायल है, ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये तीन मोड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं जब भी आप मोड सेलेक्ट करते हो अपना, तो ये चीज़ें हैं। अभी चलते हैं डायरेक्टली पीछे, अभी चले गाड़ी की रेयर सीट पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ एक तो वेट आपको अच्छा ही फील होता है, जैसा आगे फील होता है सेम उतना ही वजन आपको पीछे वाले डोर पैनल पे भी फील होगा, तो एक सेटिस्फेक्शन जो है दरवाजों को लगाते टाइम खोलते टाइम वो रहता है। बाकी यहाँ पे कर्टन्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है, इतनी महंगी अगर आप गाड़ी लेते हो तो एक थोड़ा प्राइवेसी वाला सीन रहना चाहिए। बाकी ये चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट आपको हर मॉडल में देखने के लिए मिलती हैं कर्टन वाली चीज़, तो ये है। बाकी यहाँ पे ग्लॉसी पैनल है, सिल्वर डोर लीवर है, पावर विंडो कंट्रोल है, प्रॉपर यहाँ पे लेदर है, बॉस यहाँ पे मेंशन है, स्पीकर है, बेसिकली बोतल होल्डर है, सेल्टोस की इसका प्लेट यहाँ पे है। सीट्स आप देख सकते हो, पहली चीज़ अभी ये पोलोथीन वगैरह जो है वो लगी हुई है, अदरवाइज़ आप वैसे देख लोगे तो आप देख के बोलोगे कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है देखने में, जो कि फील भी आपको ऐसी ही होती है। अभी स्पेस आपको दिखा देता हूँ, 5'9" मेरी हाइट है, अगर सिर्फ ऐसा हो कि बंदे 5 ही हैं घर में तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है इस गाड़ी के बारे में। मतलब स्पेस अच्छी है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं और फिर छोटी भी है साइज़ में, एक प्रॉपर SUV से आप कंपेयर करते हो तो छोटी भी है साइज़ में तो उसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है इधर उधर ले जाने में, स्पेस थोड़ा कम लेती है। तो उन सारी चीज़ों को मतलब एक क्राइटेरिया ही होता है बेसिकली, आपका है उसके अंदर एक गाड़ी आ रही है तो आप डेफिनेटली चेकआउट करो। बाकी यहाँ पर स्पेस आप देखो, कोई कंप्लेंट नहीं है, थायर रूम में कोई इशू नहीं है, हेड रूम भी आप देख लो कितना है मेरे पास, मैं आराम से बैठा हूँ, सीट रिक्लाइन है पीछे की तरफ, यहाँ पे एयर प्योरीफायर आता है, AC वेंट्स हैं, दो टाइप सी पोर्ट हैं, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट है ना बराबर हम पे, तीन बंदे बड़े ही आराम से बैठ जाएंगे कैसे भी क्यों ना हो। 60-40 का ऑप्शन है, बीच में आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ आएगा ये, 3-point प्रॉपर सीट बेल्ट आपको मिलती हैं और ये पीछे से कुछ ऐसे दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, गजब। यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स आते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे LED व्हाइट लाइट्स आपको मिलती हैं, यहाँ पे हुक भी है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा स्पोर्टियर चार्म चाहिए गाड़ी के अंदर अपना और ये ब्लैक चीज़ें आपको थोड़ी अच्छी लगती हैं तो ये गाड़ी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, बाहर की साइड से भी और अंदर की साइड से भी। और ये सीट बेल्ट जो है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती हैं। अभी वो डीजल इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ जो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है और क्या पावर फिगर्स हैं उसकी और दिखता कैसा है बेसिकली, उसकी हम बातचीत कर लेते हैं। बाकी यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। सो बात करें भी गाड़ी के इंजन बे के बारे में, तो पहली चीज़ यहाँ पर इंसुलेशन पैडिंग आपको मिलती है जो कि इस इंजन के लिए तो प्लस पॉइंट है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट इंजन है डीजल के हिसाब से ये जो इनके पास ये है, बट स्टिल यहाँ पे आपको ये प्लस पॉइंट के तौर पे ही मिल जाती है और ये अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लिप भी की हुई है। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एकदम बढ़िया शानदार CRDI 16V 1.5 लीटर्स का फोर सिलेंडर डीजल इंजन जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 114 BHP
250 Nm का टॉर्क, 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी अपने साथ कैरी करती है, जिससे आप मान के चलो 19 km/h की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है और उसके आसपास निकाल भी देगी। ऐसा कोई इशू नहीं है इस इंजन के साथ, क्योंकि ठीक ठाक ही मतलब चलता है ये, चलने में पावर वगैरह अच्छी खासी फील होती है और लोग दीवाने हैं इस इंजन के लिटरली। बाकी ये है आपके सामने इसका इंजन बे, अभी इसको कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने 2024 किया सेल्टोस GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक, काइंड ऑफ टॉप मॉडल ही था। वैसे फीचर्स वगैरह सारी चीज़ देखी जाए तो टॉप मॉडल ही है ये, बस एक थोड़ा बहुत वो एक्स लाइन वाली चीज़ जो आ जाती है वो थोड़ी अलग लगती है, यूनिक ही लगती है, वो तो बिल्कुल खैर। बाकी इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस है वो बताना मुझे कॉमेंट में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके बताओ कि हाँ भाई अच्छा लगा हमें, और लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।